क्या करें हम लोग, हम जो आज दुनिया में फंसे हुए हैं। अब दुनिया अलग अलग है, जाहिर है किसी का मुकाबला इस तरह है, हमारा मुकाबला शायद कल्चरल है, एजुकेशन का मुकाबला है, माशरे में बुराइयों से मुकाबला है, गुनाहों से है, फसाद से है। आदमी कैसे बाहर निकले? पहले तो दुनिया के सिनेरियो को समझें कि दुनिया जा कहाँ रही है और हमारी क्या ज़रूरत है, फिर अपने आप को बुलंद करें। देखिए, हमारे उस्ताद एक मिसाल दे रहे थे कि पहले ज़माने में इंसान जो है वो जब जूते लेते थे बच्चों के तो एक दो नंबर बढ़ा लेते थे और वो जूता फटने तक पाँव पे टाइट नहीं होता था, ढीला जाता था, फट जाता था लेकिन टाइट नहीं होता था। आज क्योंकि कैपिटलिज्म माशरा है, अब हर वक्त जूते इतने नए आते हैं वो वैसे ही टाइट हो जाते हैं, ठीक है। वजह क्या है? वजह यह है कि लिबास जब तंग होता है, क्योंकि इंसान उसके अंदर कैद है। हमारा वजूद जब छोटा होता है तो हम परवाज नहीं कर सकते, यानी जब हम खुद एक किसी चीज में फंसे हुए हो तो हम कहां से परवाज करेंगे। अब अगर हमें चाहते हैं कि हम परवाज करें या आराम करें या आसाइश को समझें, तो हमें दुनिया से बड़ा होना पड़ेगा ताकि दुनिया हमारे अंदर समाए, हम दुनिया के अंदर ना समाए। जब आप किसी छोटी चीज में होंगे तो आप फंसे हुए रहेंगे, और आप चीज को जब आप स्प्रेड करेंगे तो कोई चीज आपको फंसा नहीं सकेगी। ये औलिया खुदा दुनिया से बुजुर्ग थे, बड़े थे, इन्हें दुनिया कुछ नहीं कह पाई, इनको मनसब गिरा नहीं पाया, इनको लालच गिरा नहीं पाई, इनको कोई रिश्वतें धोखे हत्ता मौत का खौफ, मर जाओगे, उन्होंने मर जाएंगे, हमने कौन सा दुनिया में रहना है। ये जरूरी है कि आपकी निगाह कैसी है दुनिया के ऊपर। आपकी निगाह यही है, वो बहरहाल वाकया याद आता है अल्लामा तकी जाफरी का कि जर्मनी में बर्लिन में मेरे ख्याल में उनकी कॉन्फ्रेंस थी, वो गए, उनसे बोला कि इंसान की कीमत क्या है, लोग आए अपनी अपनी आर्टिकल बयान किए, इनकी बारी आई, ये भी गए, इन्होंने कहा कि इंसान की कीमत उसका इरादा है, उसकी हिम्मत है। अगर मिसाल के तौर पर अगर वो दो कमरे के फ्लैट का इरादा करता है तो इसकी कीमत यही है। आजकल के दौर में अगर एक जवान अपनी पूरी कीमत को एक मोबाइल में देखता है कि भाई मुझे तो यही लेना है, तो इसका मतलब है उसकी कीमत ही यही है। अब जब वो इन्होंने बहरहाल इस तरह बातें किया, वो उतरा है, लोगों ने बड़ी तालियां वालियाँ बजाई कि भाई क्या बात कह दी। फिर ये वापस आए, इन्होंने कहा मैंने नहीं कहा, 1400 साल पहले इमाम अली अलैहि सलाम ये बात कह गए। कि इंसान की अर्जिश कीमत उसका इरादा है। अब आपका इरादा क्या है? अब एक इंसान 24 घंटे किसी चीज के पीछे भाग रहा हो कि मैं ये हासिल कर लूं, ये ले लूं, ये मिल जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इसकी कीमत ही यही है। क्या कहने? तो अब हम अपने लिए खुद देखें कि हमने अपने लिए किसको क्या है, मेरी कीमत क्या है, मैंने अपनी कीमत को किससे कंपेयर किया है, किसको बेच रहा हूं मैं अपने आप को। यही मुश्किल हो जाएगी जब इंसान अपनी दुनिया में फंसा हुआ होगा, तो फिर तो एक हवा का झोंका आएगा, उड़ जाएगा, गिर जाएगा। जबकि मोमिन क्या है? कल्चेबाल रासख। मोमिन एक उस्तवार, एक मोहकम पहाड़ की मानिंद है कि चाहे तूफान आए, चाहे हवाएं चले, पहाड़ अपनी जगह से नहीं हटता। हाँ, गर्दो गुबार आ जाती है लेकिन पहाड़ को हिला नहीं सकती।